हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू। ये हमारी स्कोडा रैपिड गाड़ी है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कूलेंट कम हो रहा है। तो आज हम उसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्कोडा रैपिड है, इसमें जैसे हम कूलेंट डाल रहे हैं वैसे नीचे साइड कूलेंट गिर रहा है। तो आज हम इसे देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी। ये स्कोडा रैपिड है, इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका ऑयल कूलर है ये इधर से इसका नीचे से लीकेज कर रहा है। तो आज हम इसे ठीक करने वाले हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्या क्या फिटिंग कर खुलती है। तो सबसे पहले हमने इसका ये पाइप हटा दिया यहाँ से, मैनिफोल्ड के यहाँ से। अब ये हटाएंगे बॉडी, तो इसमें इजीली हमारा कूलर खुल जाएगा। ये लगा इस जगह, अंदर इस साइड भी बोल्ट है, खोलते हैं इसे। बाकी फिटिंग इधर का हमने पाइप हटा दिया, रिमूव कर दिया थोड़ा। अब ये हटाएंगे इसकी थोटर बॉडी। फ्रेंड्स ये इसकी थोटर बॉडी है, ऐसी लगी रहती है। इतने लंबे से बोल्ट लगे रहते हैं, हटा दिए हमने। अभी देखो फ्रेंड्स, ये हटाने के बाद हमारी कूलर की पूरी पूरी जगह बन गई है। अब हम इसे इजीली रिमूव कर पाएंगे। ये ऑयल कूलर है कंप्लीट। अब बाकी इसके बोल्ट वो लगे अंदर, उसे खोलेंगे स्टार में हमारे। बाकी ये थोड़ी वायरिंग वगैरह इसे साइड कर देंगे। खोलते हैं इसका कूलर को। ये हमारी गाड़ी है स्कोडा रैपिड। ये अंदर इस साइड से दिख रहा है आपको, ये रहा एक वो लगा अंदर बोल्ट, एक अंदर में है और इधर की साइड लगी है नीचे। और एक ये पाइप हटाएंगे कूलेंट की, इसमें लीकेज इधर ही अंदर कहीं है, कूलेंट की लीकेज है। ये हमारा ऑयल कूलर है, इसमें ये जो लाइन है पूरी गल चुकी है, प्लास्टिक ये पूरी सड़ गई है। अब क्या होगा, इसमें हम चेंज करेंगे दूसरा ऑयल कूलर। इसकी रिंग है बैठी नहीं रही, इसी कारण से लीक कर रही थी पूरी। ये है स्कोडा रैपिड, इसकी रिंग है। बाकी ये जगह लगा रहता है, हटाइए। फ्रेंड्स इसकी लाइन है ऑयल कूलर की, कूलेंट की, एक जगह से वहाँ उस साइड से बॉडी इसकी लग गई है अंदर से। तो इसी वजह से ये ऊपर ये ना ये ऊपर वाली इसी जगह से इसे लीक करके कूलेंट की लाइन है। इनलेट एयर आउटलेट, अब इसे चेंज करके हम दूसरा डालेंगे इसमें। मेरी फ्रेंड्स हमारी रैपिड इसमें लीकेज का इशू था। हमारी जो ऊपर वाली है यही लाइन थी जो साइड से हमारी कूलेंट की, जो कूलेंट नीचे गिर ही रहा था इतना ज़्यादा गीला है, इसी जगह थी। अब करेंगे इसे दूसरा रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स। ये कूलर बॉडी है कंप्लीट आएगी। बाकी हमने ये रेसे पास मोटर बॉडी टाइप, ये हॉस पाइप, बाकी स्पेशल टूल लगते हैं इसमें। फ्रेंड्स ये हमारा डीजल कूलर है, हम दूसरा लेके आए नया। इसमें जो पहले था हमारा वो इस जगह से कूलेंट की लाइन गली थी, हम नया लेके आए, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम नया है। ये हमारी कूलेंट की लाइन है, इसमें दो हमारी कूलेंट की लाइन होती है, एक ये दो ऑयल की लाइन होती है। और ये हमारा है डीजल कूलर, पुराना वाला दिखाता हूँ अभी कहाँ है हमारा। इसकी
इसकी। ये हमारा डीजल कूलर है, ऑयल कूलर, इसमें ये इस साइड गला हुआ है तो हमने इसे नया ले के आए हैं। ये रहा हमारा जो परफेक्ट एकदम सही सा है। इसमें दो हमारी कूलिंग कूलेंट की लाइन होती है और दो ऑयल की लाइन होती है। वो पीछे हमारा ये लगा, इसमें हमारा कूलेंट फ्लो होता है। इसमें एक ये ना, ये नया वाला है, बिल्कुल ठीक है। और ये रहा हमारा, इधर हमारा डीजल फिल्टर लगाएंगे। अब करते हैं इसे नए वाले को हम फिट। ठीक है, बढ़िया। पहले जो था पुराना, वो इस जगह से पूरा गला हुआ था ये, इसलिए वो लीक कर रहा था कूलेंट। हमेशा कभी लगाओ, साफ करके लगाओ ये पूरा एकदम। उसके बाद हमारी ऑयल कूलर है, अभी इस जगह फिट करेंगे इसके चार बोल्ट ये लगे। ले आ मजा, कम्मा बहुत लिए वीडियो बनावे वाला मजा। देख बे आया हराम, अरे हाँ हाँ अभी आए नहीं, एकदम खतरा आया था फोटो। आउ का ये लंबू सम्बू का तो भी तो ये हमारा फिटिंग हो रहा है। और अब इसे हम फिट कर देंगे, फिर उसके बाद कूलेंट डालेंगे, फिर चेक करेंगे। ऑयल कूलर लगा दिया है, चार बोल्ट लगा रहता है। और ये देख लो, मैं तो लीक नहीं कर रहा नीचे से। ये कूलेंट का पाइप भी लगा दिया। अरे भाई असलम, अरे ओडी में देख ले नीचे लीकेज तो नहीं कर रही कुछ है। स्टार्ट करके छोड़ रखी है मैंने ये, हमने इसका फ्रेंड्स कंप्लीट कर दिया है। खतरा भी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के चेक करेंगे कि कोई गिर तो नहीं रहा है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए बाकी फिटिंग करने से पहले। इसमें पानी आराम आराम से जाता है। बाकी एक बार पानी डल जाए कूलेंट, पानी डाल के एक बार चेक कर लें, फिर करते हैं इसके फिटिंग बाकी की। ये हमारी स्कोडा रैपिड डीजल है। अब ठीक है, यहाँ कोई कूलेंट वगैरह की लीकेज नहीं है, बाकी वही है पुराने वाला ऑयल, बाकी ऐसा कोई ऑयल वगैरह नहीं गिर रहा अभी। हमने लगा दिया इसका कूलर, ऑयल कूलर। अब करते हैं इसकी बाकी की फिटिंग, बाकी पानी वगैरह डाल के देख लिया कोई लीकेज नहीं है नीचे। अब लगाते हैं इसका वाटर बॉडी। और इसमें हमारे 25 लीटर बोलना पड़ेगा, तीन बोल्ट लगे हुए हैं, उसके थ्रू हम टाइट करेंगे अभी से। ऐसे इस जगह ऐसे कुछ लगा रहेगा, लगा भाई टाइट कर। हमने लगा दिया है, अब इसके बोल्ट फंसाएंगे इसमें। और नीचे एक पाइप लगाया, हाउस पाइप, एक ये पाइप लगाएंगे इधर का। उधर एक हमारा गेज पे अटैच रहेगा 10 mm का बोल्ट, ये भी टाइट करेंगे। बाकी होगी ये गाड़ी, ये है स्कोडा रैपिड, 1.6 लीटर डीजल इंजन है। करते हैं इसकी, ये हमने इसके बोल्ट फंसा दिए, अब टाइट करते हैं। बाकी हमने लगा दिया इसका फिटिंग, कूलेंट डाल दिए, लेवल कम नहीं हो रहा, ठीक है फिलहाल। स्टार्ट करके अब चेक करनी है। इसके बाद तीन बोल्ट लगाने के बाद इसका एक पाइप लगाएंगे हम, इसे साफ करना है थोड़ा भी डीजल वगैरह से, फिर लगाएंगे हम इसे फिट करेंगे। पहले
टाइट कर लें इसकी थ्रोटल बॉडी, फिर लगाते हैं इसके बाकी फिटिंग। हाउस पाइप फाइनली हो गई कंप्लीट। ये हमारी स्कोडा रैपिड डीजल इंजन है इसमें, वो हमने ऑयल कूलर डीजल ऑयल कूलर लगा हुआ है, रिप्लेस कर दिया, नया डाल दिया। कंप्लीट फिटिंग, जैसे ही हमारी क्लिप वगैरह ये लगी है, मैंने फोल्ड ये सब जो हमारे थ्रोटल बॉडी वगैरह निकाली सब फिट करेंगे। बाकी इसकी गेज काम भाई उसका हॉस्पिटल लगे कपड़ा मार के एकदम बढ़िया से। साफ हो गया है बहुत हद तक, अब उसका हॉस पाइप लगाएंगे। ये हमारा मिस्त्री है सौरभ, ये लग गई है क्लिपे, इसके टाइट करेंगे ये दोनों। यहाँ मैंने कूलर डाला था ऑयल कूलर, अब करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। बाकी हमने कंप्लीट फिटिंग हो गई है, कोई लीकेज भी नहीं है अभी। तो हो गई हमारी स्कोडा रैपिड है कंप्लीट कर दी हमने, बाकी स्टार्ट है गाड़ी सही है, तो इसमें नीचे लीकेज वगैरह नहीं है। ये थी हमारी गाड़ी स्कोडा रैपिड, इसमें साउंड बहुत होता है। बाकी पहले नीचे इस जगह बिल्कुल साफ, अब ऐसी कोई लीकेज नहीं होती है। फ्रेंड्स सीढ़ी हमारी फोट आ रहा है, रैपिड इसमें प्रॉब्लम थी, हमारा जो ऑयल कूलर लगा है उस जगह से हमारा कूलेंट लीक कर रहा था, तो फ्रेंड्स में हमने इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक कर दिया है। बाकी गाड़ी स्टार्ट है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।